पार्टी मार की जय हो। बिस्कुमान ढवा देंगे। अरे भाई बे बिस्कुमान ढवा देंगे। बिस्कुमान हमारे बाबूजी का है, जिस जमाना ढाई भाई। अरे उनका बस चलता तो अभी तक तो डायनामाइट लगा के उड़ा ही दिए रहते। देखिए ईडी की पूछताछ जो है लालू यादव से चल रही है, वहीं पे आज आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने तमाम बातों को रखा है। वहीं उन्होंने जो है ईडी के खिलाफ में भी नारे लगाए हैं, वहीं नीतीश कुमार पर भी जमकर कटाक्ष किया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह, एक बार आप सुने। पलटी मार किसको बोला जाता है? नीतीश कुमार। अरे जिससे पूछिए बिहार का जैसे लिट्टी चोखा ऐसी पलटी मार की जय हो। अरे भाई बे बिस्कुमान ढवा देंगे। बिस्कुमान हमारे बाबूजी का है, जिस जमाना ढाई भाई। अरे उनका बस चलता तो अभी तक तो डायनामाइट लगा के उड़ा ही दिए रहते, कहाँ पड़े हुए। जा जा भाई तू जा जा। अब दूसरा रिक्शा वाला आएगा तब पूछेगा। देखिए ऐसा है कि बहुत ही अफसोस की बात है कि जो 76 वर्ष से ऊपर उम्र हो चुका हो, उनका हाल में ही किडनी का प्रत्यारोपण हुआ हो, फिर भी उनको जिस तरह निर्दयता पूर्वक लगातार पूछताछ कर रहा है, अगर पदाधिकारी चाहते तो उनको कल का भी समय दे सकते थे, कल भी उनको बुला सकते थे, अगर उनके सवालों का जवाब पूरा नहीं हुआ तो। लेकिन जिस तरह से ये क्रूरता दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये निर्दयता दिखा रहे हैं, ये तो अभूतपूर्व है। ये तो मानवता को भी शर्मसार करने वाला इन लोग की कार्रवाई है। क्या डर लगता है तेजस्वी के साथ भी कल इसी तरीके का व्यवहार किया जा सकता है? अरे भाई परेशान को आज किया जा रहा है, सदियों से किया जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? दो जोड़ दो चार होता है, पाँच नहीं हो सकता है। और जिस तरह का कार्य और जिस तरह का उन्होंने पूरे बिहार को शर्मसार किया, हाल में भी आपने देखा होगा महिलाओं के प्रति उनका कितना सम्मान है, पूरे देश ने देखा, और जो लोग उनको शर्मसार और क्या नहीं उपाधि दिए, उन्हीं के गोद में जाकर छरप करके वो बैठ गए। हमको इससे ज्यादा नहीं कहना। अरे भाई साहब आप क्या ये सब फालतू बात बोलते हैं? अब नीतीश कुमार नाम है, दूसरा नाम बोलिए तब हम लोग उसका जवाब। दूसरा नाम बोलिए क्या है? पलटू राम। हर तरीके आप पूछे क्या पूछना है? तेजस्वी जी को भी कल बुलाया जा, क्या लगता है ये लोग उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे? देखिए पहले भी कई बार यह बोला जा चुका है कि जब तक लोकसभा का चुनाव सम्पन्न नहीं होगा, पूरे देश में जो भी विपक्ष के लोग हैं, जो भी मजबूत लोग हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरह मजबूत लोग हैं, उनको इसी तरह से तंग और फजित किया जाएगा। पहले भी मैंने आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी हार्ड कोर कार्यकर्ता से ज़्यादा बेहतरीन कार्य यह ईडी वाले लोग करते हैं, सीबीआई वाले लोग करते हैं, इनकम टैक्स वाले लोग करते हैं। कोई बात किसी से छुपी हुई है क्या? ठीक है सर, आपके घर पे भी छापा पड़ सकता है, पहले एक बार पड़ा था सर। अच्छा तो इसके लिए कोई पंडित से जतरा पूछेंगे? भाई कौन उनको रोक रहा है? उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं का केंद्र में सरकार, उन्हीं का राज्य में सरकार, तो इसके लिए कोई पंडित से पत्रा दिखाना है क्या? ये कार्रवाई तो उनको चालू कर देना चाहिए था। बीजेपी की तीन जमाई, बीजेपी की तीन जमाई, बीजेपी की तीन जमाई, बीजेपी की तीन जमाई। तो आपने सुना किस तरीके से सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया है, वहीं ईडी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार को अब जब कहा गया है कि नीतीश कुमार उन पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, उन्होंने कहा है कि अब समय देखने या मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, जब मन करे तब वो कार्रवाई कर दें। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज पर। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।